अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रोज लाखों भक्त दर्शन करने जा रहे हैं। इसी बीच अब धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठा के बाद नेताओं का अयोध्या आना जाना शुरू हो गया है। ऐसे में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को सभी सदस्यों को अयोध्या चलने का न्योता दिया। इस पर सत्ता पक्ष के विधायक काफी उत्सुक नजर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी एक बार फिर अयोध्या जाने से इनकार कर रही है। इस पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बयान देते हुए कहा कि 11 फरवरी को रामलला के दर्शन की बात कही गई है, हम समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। जब नेता विरोधी दल यानी अखिलेश यादव ले जाएंगे तब हम जाएंगे। 11 तारीख को कोई हम लोगों का औचित्य नहीं बनता है। मैंने देखिए 11-22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के समय के लिए कहा था, तो खुद ही अध्यक्ष जी को नहीं निमंत्रण मिला था, तो हम लोगों को कहां ले जाते। लेकिन हम अपने नेता विरोधी दल को कहेंगे हम लोगों के लिए अलग से व्यवस्था कराएं, तब जाएंगे हम। वहीं सिर्फ शिवपाल यादव ही नहीं, सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने कहा कि भगवान राम जब किसी को बुलाते हैं तब हम जाते हैं, हम भगवान से डायरेक्ट मिलने जाएंगे, हमें बीच में बीजेपी की मदद की जरूरत नहीं। उनके साथ हम सब मिलजुल करके हैं, लड़ाई हमारी बड़ी है, एकजुट होकर के एक साथ एक विचारधारा से संवाद करके और बातचीत करके उसे हल करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को जब विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने सभी दलों के विधायकों को आमंत्रित किया तो समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल मसूद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मस्जिद भी बन रही है, इसीलिए वहां भी जाने की व्यवस्था को शामिल किया जाए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब मस्जिद बन जाएगी तब वहां भी जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, तो लोग जा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा में जाने से सपा ने बीजेपी का कार्यक्रम कहकर इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर सपा बीजेपी के साथ अयोध्या जाने से इनकार कर रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।